हेलो गाइस, आज हम बनाने जा रहे हैं कढ़ी चावल विद रोटी। ठीक है, तो उसके लिए हमें चाहिए गाइस, इसके लिए हमें चाहिए लस्सी, हल्दी, नमक, मिर्च, धनिया पाउडर, मेथी दाना, एक कटा हुआ प्याज, एक कटा हुआ टमाटर, थोड़ा सा वेजिटेबल ऑयल। अब इसमें डालूंगी मैं थोड़ा सा वेजिटेबल ऑयल। ये लस्सी है, 1 किलो लस्सी है। अब इसमें मैं 3.5 चम्मच बेसन डालूंगी। जितने लोग घर में होते हैं उतनी चम्मच में बेसन डालती हूँ। ठीक है, अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर बस, बाकी मसाले मैं तड़के में डालूंगी। ठीक है, मेरा तेल जो है गर्म हो चुका है। अब इसमें डालूंगी थोड़ी सी हींग, जीरा, मेथी दाना और राई, और जो कटे हुए प्याज थे, हरी मिर्च, वो मैंने डाल दिया। इसको सॉटे करने के लिए अब रख दिया है, सॉटे हो जाएंगे ये। इसमें मैंने 2 इलायची डाली हैं, 2 लौंग डाली हैं, और अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी बैटर को। मेरा बैटर रेडी हो गया है। अब इसमें डालूँगी टमाटर। टमाटर मैंने घिया कस में अच्छे से कस के फिर डाले हैं। अब मैंने इसमें थोड़ा सा नमक डाला है। अब जब मेरा ऑयल सेपरेट हो जाएगा उसके बाद मैं बैटर को डाल दूंगी इसके अंदर। ऑयल सेपरेट हो गया, मैंने बैटर डाल दिया है। देखिए, अब इसको धीरे धीरे करके हिलाऊंगी। इसको हिलाते रहना जब तक इसमें उबाल नहीं आएगा, नहीं तो दही हमारी फट सकती है। ये देखिए, गाढ़ी होने लग गई है। अब मैं इसमें थोड़ा 1 गिलास पानी डालूंगी, बहुत गाढ़ी हो गई है। ठीक है, इसमें आपको जितने पानी की लगे, जितना आपको पतला करना है, गाढ़ा करना है, ये आपके ऊपर है। मैं ज़्यादा पतली नहीं रखती हूँ, मतलब नॉर्मल, ना गाढ़ी ना पतली, ऐसी रखती हूँ। देखिए, कढ़ी ऑलमोस्ट रेडी होने वाली है, बट इसमें लगेंगे अभी 1/2 घंटा लग जाता है पकने में, क्योंकि कढ़ी जितना उबलेगी ना उतनी अच्छी बनती है। ठीक है, तब तक के लिए मैं राइस की प्रिपरेशन कर लेती हूँ। गाइस, अब हम करेंगे प्रिपरेशन पकोड़ों के लिए। ठीक है, ये मैंने लिया है 1 कटा हुआ प्याज। इसके लिए मुझे 1 कटा हुआ प्याज, थोड़ा सा जीरा, थोड़ा लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, नमक, थोड़ी सी लिटिल बिट ऑफ हल्दी और थोड़ा सा धनिया। ठीक है, अब हम डालेंगे इसमें 1 चम्मच, 2 चम्मच, ये 2½ स्पून। ठीक है, अब हम इसमें डालेंगे लिटिल बिट, थोड़ा सा लाइटली सा जीरा। ठीक है, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी हल्दी पाउडर, थोड़ा सा नहीं, मतलब 1/2 चम्मच सूखा धनिया, नमक स्वाद अनुसार, कितना आप लोग पसंद करते हैं। ठीक है, मैंने ऑयल गर्म होने रख दिया गाइस, अब थोड़ी सी देर में गर्म हो जाएगा। कढ़ी ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है, आप देख सकते हैं, लुक इट्स लवली यार। अब पकौड़े का बैटर, अब इसमें थोड़ा सा धनिया डालेंगे। अब इसको अच्छे से मिक्स करूँगी, थोड़ा सा पानी डाल के इसका बैटर बना लूँगी। बैटर देखिए रेडी हो चुका है, ऑयल मेरा गर्म हो गया है। अब मैं इसमें हाथ से ही डालूंगी, चम्मच से नहीं। गैस को मुझे मीडियम फ्लेम पे रखना है, ना कि ज़्यादा तेज़ ना स्लो, जिससे मेरे पकोड़े अंदर से भी पकें और बाहर से भी। अगर आप ज़्यादा हाई फ्लेम रख देंगे इसकी तो बाहर से जल जाएंगे, अंदर से कच्चे रह जाएंगे। ये देखिए, पकौड़े कितने अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो रहे हैं, ऐसे हो गए हैं रेडी। थोड़ा सा बैटर मेरा और बचा है, उसके भी मैं पकोड़े बना के तैयार कर लूँगी। देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ तोड़ के, अंदर तक का मसाला पक चुका है। देखिए, इट्स लवली। अब कढ़ी देखिए, कढ़ी एकदम रेडी हो चुकी है। अब इसमें पकोड़े जाएंगे। पकोड़े मैंने डाल दिए हैं सारे नहीं डाले हैं, मतलब 3-4 रख लिए हैं, क्योंकि ज़्यादा पकोड़े फिर अच्छे नहीं लगते, टेस्ट वाइज टेस्टलेस लगता है। अब इसमें मैंने धनिया डाल दिया थोड़ा सा।
ये देखिए एकदम वैसे अब ये बिल्कुल खाने के लिए यम्मी लग रही है देखने से ही, खाने में भी बहुत टेस्टी है। मेरी राइस भी आप लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें प्लीज, ऐसे ही सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, कमेंट करते रहें, ठीक है। मुझे इंतजार रहेगा आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स का। आप बताना ये इजी था या मुश्किल था। ठीक है गाइस, मेरे चावल भी रेडी हो चुके हैं और रोटी भी, रोटी नहीं हुई सॉरी, रोटी अभी मुझे बनानी है। ठीक है, अभी ऑर्डर नहीं आया मेरे पास रोटी का। सो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। प्लीज लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करते रहिए, आप ऐसे ही मुझे प्यार करते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।